नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों इंदौर में साइबर क्रिमिनल और हैकर्स का आतंक है और आम लोग साइबर क्राइम के निशाने पर हैं। धोखाधड़ी बढ़ रही है, कुछ मामलों में पुलिस को सफलता मिलती है लेकिन ज्यादातर मामलों में अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ताजे मामले को अगर लेकर बात करें तो इंदौर शहर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ताजा मामला है जिसकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया और उस पर अश्लील कंटेंट डाला गया। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से उस लिंक को कुछ समय में ही सस्पेंड कर लिया गया, आपको बता दें, और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको बता दें कि पहले पाकिस्तानी हैकर्सों ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक कर उस पर देश विरोधी नारे और पोस्टर डाल दिए थे जिसमें पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन आज भी आपको बता दें कि मुजरिम पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जब इंदौर यूनिवर्सिटी के कुलपति की ईमेल हैक कर ली गई थी और कई अनर्गल मेल इधर उधर किए गए थे। हालांकि साइबर क्रिमिनल को उनके अंजाम तक पहुंचने की पुलिसिया कोशिश जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि अपराधियों की इस नई तकनीक से आपको और हमको कितना खतरा है, देश की सुरक्षा को कितना खतरा है और हम कब तक और कहां तक इन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो पाएंगे और क्या हमारा सिस्टम ऐसे अपराधियों पर लगाम लगा पाएगा, इन्हीं कुछ पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक विश्वविद्यालय जैसे पवित्र विश्व स्थान की साइट को हैक करना एक बहुत ही गलत है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अभी अभी जैसा मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय की साइट को हैक कर दिया गया और उस पर आपत्तिजनक सामग्री डाली गई है, तो तुरंत हम लोगों ने उसको वेबसाइट को डिसेबल कर दिया है और अभी उसकी पूरी जांच करवाई जा रही है। जैसे ही मतलब जो भी कुछ सामने आएगा उससे पहले साइबर सेल में हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। घटना का तो कब हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी आधे घंटे पहले मेरे संज्ञान में आया था और तभी तुरंत हम लोगों ने इसको डिसेबल करवा दिया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अतियाब शेख। अतियाब शेख, ओवर टू यू। शुक्रिया। इंदौर शहर के मुद्दों की बात और इंदौर शहर के सरोकार की बात में आज हम बात कर रहे हैं कि इंदौर शहर को लगी है किसी की नजर और वो नजर लगी है साइबर अपराधियों की और इन साइबर अपराधियों ने नाक बेदम कर रखा है पुलिस प्रशासन का, क्योंकि ये साइबर अपराधी न सिर्फ फरफात करते हैं बड़े की बड़े बड़े धोखाधड़ी के केसेस को भी अंजाम देते जा रहे हैं। लोग इससे परेशान है, आम जनता इससे परेशान है। अब तो अछूती पहले भी ने रहा। मेरे साथ इस मामले पर बात करने के लिए एक खास पैनल जुड़ा है। रवि अतुलिया साहब है, ये रिटायर्ड डीएसपी हैं। अतुलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र धाकर साहब मेरे साथ में जुड़े हैं, पूर्व कुलपति हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के, सर आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ राजहंस जो कि साइबर एक्सपर्ट है और आईटी प्रोफेशनल है, वो मेरे साथ में जुड़े हैं। सर, सबसे पहले अतुलिया साहब, मैं पहला सवाल आप ही से पूछूंगा। सर, ये साइबर अपराधियों की नजर कैसे पड़ गई इंदौर शहर पर, किस तरह की खुराफातें हो रही है, क्या हम कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं ट्रैक करने में या कहीं ना कहीं नाकामयाबी हमें इनको अंजाम तक पहुंचाने में हो रही है? बिल्कुल सच कहा आपने कि साइबर हैकर्स जो हैं ये इंदौर की ही वेबसाइट हैक नहीं कर रहे हैं बल्कि गाहे बाहे हम पूरे भारत में, इवन दो कि तो पता चला था कि पाकिस्तान ने भी भारत सरकार की एक रिसर्च हैक उस वेबसाइट को हैक कर लिया था। ये एक चलन हो पड़ा है। हैकर्स जो बनते थे, जहां तक मेरे पास ये राजनीति बता पाएंगे कि हैकर्स जो हैं वो अच्छे काम के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि पूछिए मत। और पुलिस का काम जो है इन हैकर्स तक पहुंचने का तो है, मगर जब हमें प्रॉपर साइबर एक्सपर्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो हमारे पुलिस में एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हम इनकी मदद के द्वारा ही उन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं और कुछ लोगों तक हम पहुंचे भी हैं। और इस तरह का ये क्राइम जो है निश्चित ही समाज के हित में, देश के हित में नहीं है। इसका इतना बुरा दुरुपयोग हो रहा है कि जैसे कि अभी जो पिछले दिनों आपने बताया ही कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की में उसके गंदे कंटेंट डाले गए। जी सर, इवन का मामला है। हाँ, और इवन कि यहाँ पर एक स्कूल में भी, जहां पर ई क्लास चलती थी, स्कूल चलती थी, उसमें भी गंदे वीडियो डाले गए और बच्चे परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो ये हैकर्स जो हैं ये सिर्फ अपना वर्चस्व बताने के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
सर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मैं इसमें समझना चाहूंगा इनकी साइकी क्या होती है सर, नुकसान पहुंचाना इनकी साइकी है या खुराफात करना इनकी साइकी है? देखिए, जब ये किसी के वेबसाइट में घुसकर गंदे कंटेंट डालते हैं तो ये या तो अपना उसे परेशान करना चाहते हैं या फिर उसको मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का इनका उद्देश्य होता है। लेकिन जहां पर शिक्षण बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में इस तरह की चीजें थी, उससे निश्चित ही वो कोई ना कोई खुराफात कर रहे हैं। और ये खुराफात निश्चित रूप से हो सकती है। सर मैं आपके पास लौटूंगा, मैं धाकड़ साहब के पास चलता हूँ। धाकड़ साहब, हमारी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी की साइट के साथ में इस तरह का खिलवाड़, क्या हमारे सेफ्टी और साइट्स की कमजोर है कहीं ना कहीं, या ये खुराफात जानबूझकर के की जा रही है? ताकि क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सर रिजल्ट भी ऑनलाइन हो चुके हैं, एडमिशन भी ऑनलाइन हो चुका है, ईमेल हैक कर लेते हैं, सर ये क्या खुराफात लगती है आपको? सर निश्चित यह निंदनीय काम है, और वेबर ये वेबसाइट हैक करना किसी साइबर क्राइम वाले का ही काम है, और अश्लील पिक्चर डालना तो और भी निंदनीय है। ये कार्य जानबूझकर किया गया है, साइबर क्राइम पढ़ाते थे अच्छे ही काम के लिए, पर ये साइबर क्राइम ब्रांच इसको ट्रेस कर सकती है और 24 घंटे में लोगों को पता लगा सकती है। पहले साइबर क्राइम हुआ था तभी पता लगा लेना था, ये दूसरा क्राइम हो गया है। दूसरा यह कहावत ऐसी ही है जैसे चरितार्थ हो गई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये कुछ न कुछ तो सबूत छोड़ के जाते हैं। और इनका स्वयं भी कुलपति रहे हैं, आप स्वयं भी कुलपति हैं, कितना डेंजरस हो सकता है सर इस तरीके की साइट्स को हैक कर लेना, खासतौर पे यूनिवर्सिटी की? सर ये तो साइबर क्राइम वाले हैं जो किसी भी साइट को हैक कर सकते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट्स को अब यूनिवर्सिटी के कितना नुकसान हो सकता है? इससे कोई नुकसान नहीं होता है, पर जो साइट देखते हैं उनके बारे में यूनिवर्सिटी की छवि खराब होती है। ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, जो रिजल्ट्स है वो भी ऑनलाइन होते हैं, उसमें कभी खुराफात हो गई तो नुकसान हो ही जाएगा बच्चों का या यूनिवर्सिटी का। इसको हटा सकते हैं और हटा सकते हैं और सही रिजल्ट डाल सकते हैं, बाद में भी नुकसान नहीं होता है। जी मैं समझता हूँ सर। सर आपने बहुत सही पॉइंट कहा, मैं सिद्धार्थ से समझने की कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ, हाउ डेंजरस कैन इट बी, ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासतौर के ऊपर यूनिवर्सिटी की साइट हैक कर लेना, साथ ही साथ हम पुलिस विभाग भी अब इससे अछूता नहीं रहा, पुलिस विभाग की भी साइट हैक कर ली। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये लोग जो करते हैं तो एक होता है एथिकल हैकिंग, जो हम सही कामों के लिए करते हैं, इसमें कई सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी बनाए थे। गूगल ने जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि लोग अगर सही सही बग ढूंढ लेते तो उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है। दिस इज दी अदर साइड ऑफ हैकिंग, जिसमें कि व्हाइट हैट ना हो कि ये सब रेड हैट हैकर थे, जो केवल दिखाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व सामने रखना चाहते हैं कि ये हम देखिए हमने तुम्हारे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों का भी हमने वेबसाइट हैक करके दिखा दिया। तो ये एक्चुअली केवल दिखाना चाहते हैं कि हम एक्चुअली जो वेबसाइट हैक की भी गई है स्कूल ऑफ योगा की, उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा कि कई दिनों से अनयूज था, तो इनका एक तरह से तरीका होता है सिर्फ इसे हैक करके अपना दिखाना दबदबा कि देखो हम, और ये कर भी दुश्मन देश रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो ये लोग सबका यही है कि बस इन्होंने टारगेट कर लिया है कि इस पर्टिकुलर शहर के कुछ वेबसाइट वीक हैं। तो इसमें एक पॉइंट में ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो .gov.in, .nic.in है, अगर हम भी अमूमन आम आदमी भी वो वेबसाइट देखें तो काफी आप देखिए बेसिक्स बनाए रहते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर दिखता है उनका, और इनके मैंने देखा है काफी वेब मास्टर्स भी कई बार लीनियंट हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी का ही मैं एक बार स्टूडेंट्स के साथ कीनोट देने गया था, तो वहां पर जो वेबसाइट का नाम है उसके .ac.in के बाद स्लैश डाल के login.html अगर आप डालते हैं तो उस वेबसाइट का लॉगिन पेज आ जाता है वर्डप्रेस का, और आप यकीन नहीं करेंगे उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड था वो था एडमिन वर्ड से यूजर नेम और पासवर्ड शब्द ही था PASSWRD। तो अगर इतना सिंपल हो सिद्धार्थ, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, आपने बहुत बेहतर एग्जांपल दिया, बहुत वल्नरेबल है क्या हमारी साइट्स, क्या हमारी साइट्स वल्नरेबल है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं सर, बिल्कुल किया जा सकता है, बट ये है कि जैसे हम सिंपल चीजें लाइक टू स्टेप वेरिफिकेशन, हम हमारे आज की तारीख में फेसबुक और जीमेल अकाउंट्स का भी टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई हमारे अकाउंट्स में ही लॉग इन करने की कोशिश करे तो सेकंड जो वेरिफिकेशन है वो हमको SMS या डिवाइस पर करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल और इज इट वेरी एक्सपेंसिव?
नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव सर, ये कोई भी इवन वर्डप्रेस पे ये चीज कॉन्फ़िगर की जा सकती है, बट ओनली थिंग इज हमारे यहाँ के जो वेब मास्टर है वो कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। ये बात अतुलिया साहब से मैं पूछता हूँ, अतुलिया साहब जिस तरीके से सिद्धार्थ बता रहे हैं कि काफी वल्नरेबल साइट्स होती हैं हमारी और इस तरीके से घुसना बहुत आसान हो जाता है इन क्रिमिनल्स को, ये क्रिमिनल्स आज तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं दिखाते हैं लेकिन जिस तरीके से आपने अपने करियर के दौरान देखा होगा कि साइबर क्राइम का भी बहुत बड़ा सेटअप शुरू हो चुका है, लोगों के साथ धोखाधड़ी लगातार हो रही है, सर क्या पुलिस डिपार्टमेंट अब इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से ये कहा जाए 100% एफिशिएंट हो गया है या अभी कमी बाकी है? मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट तो जब ये नए किस्म के अपराध, अभी तक तो हम पारंपरिक अपराधों पर ही नियंत्रण पाने की कोशिश करते थे, धीरे धीरे जब ये साइबर क्राइम में ये बैंक की धोखाधड़ी या पैसा ट्रांसफर करना या किसी के अकाउंट को हैक करके उसका पैसा यूज कर लेना, उसका कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना, जब इस तरह की ये बातें आना शुरू हुई तो जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि उनका जो आईडी और जो पासवर्ड है ये अगर कमजोर है और वाकई वहीं पर वो घुस पाते हैं, और मैं इससे सहमत हूं कि पुलिस विभाग अब इस दौरे पर जागरूक हो चुका है। इंदौर पुलिस की बात अगर मैं करूं तो इंदौर पुलिस ने ये कोशिश कर ली क्योंकि सिद्धार्थ जैसे कई साथी उनको सपोर्ट कर गए और उन्होंने अपने जिस ढंग से आईडी और पासवर्ड को जितना क्रिटिकल बनाया है कि जिसमें आसानी से हैकर घुस नहीं सकते, सिर्फ आई थिंक सिद्धार्थ जी एक यही एक रास्ता है कि हम अपना चाहे ईमेल अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट, जो भी मेरे अकाउंट है, अगर हमने पासवर्ड इजी बनाया है तो निश्चित कोई ना कोई उसमें सेंध मार के उसका दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग क्या करेगा, बल्कि संस्थान की कचरे कर देगा, उसका मतलब उसकी इमेज। अच्छा, अतुलिया साहब ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस नहीं है जैसा सिद्धार्थ बता रहे कि बहुत महंगा प्रोसेस नहीं है ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो इस मामले में मुझे लगता है कि हमें अप टू डेट होना पड़ेगा, क्या कहते हैं सर? हम नहीं, दरअसल क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट से स्पेशली बात करूं कि उसमें इतने अभी एक्सपर्ट नहीं है जैसे कि हमारे एडीजी वरुण कपूर साहब है, मगर वो भी अभी इतना सपोर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में चूंकि इस तरह के एक्सपर्ट नहीं थे और जो पढ़ के आए तो उतने भी समझदार नहीं थे, लेकिन अब जब इस तरह का हमें एहसास हो चुका है कि आने वाला समय साइबर क्राइम का ही होगा, हमें साइबर क्राइम क्रिमिनल से ही निपटना है तो साइबर क्रिमिनल से निपटना होगा। सर मैं आपके पास लौटता हूँ, मैं धाकड़ साहब के पास चलता हूँ। धाकड़ साहब, जिस तरीके से अतुलिया साहब बता रहे हैं और सिद्धार्थ बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा, थोड़ा सा उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी की तरफ ध्यान रखना होगा, बीइंग आप खुद भी कुलपति रहे तो सर इस तरह की कोई सिस्टम अब बनेगा? लगता है कि अब इस तरीके की चीजें जरूरी हो गई है। अगर सर कैन यू हियर मी, आप सुन पा रहे हैं? माइक बंद हो गया उनका, मुझे लगता है कि धाकड़ सर का शायद माइक बंद हो गया है। मैं सिद्धार्थ आपके पास चलता हूँ। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को कितना स्ट्रांग करें, पुलिस अपने आप में पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इन क्रिमिनल्स तक पहुंच जाए और उन क्रिमिनल्स को क्रैक करे। आपने एक सिस्टम बताया, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल आप ये बताइए कि इन चीजों से बचने के लिए जिस इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आपने कहा कि बड़े इजी वे के अंदर बहुत सारे वेब एडमिन जो है वो लोग थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो क्या ये सिस्टम को सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? सर इसमें बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। एक तो जैसे पुलिस विभाग जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में और इंदौर में ही इतने सारे हैं, उनसे सहयोग ले सकती हैं। कई बार ये सिर्फ एक मामूली सा कोड होता है जो यहाँ से वहां कर देते हैं हैकर, तो हैकर हम ये समझिए ये वो लोग हैं जो प्रॉपर किसी संस्थान में घुस नहीं पाए, जो प्रॉपरली कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ नहीं पाए, तो ये बहुत छोटे छोटे लूपहोल्स का हम ये क्राइम बहुत बड़ा है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है, बट ये जो करते हैं ये बहुत छोटे लोग हैं, तो हम इन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें। सिंपल से हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये लोग आपको और हमें तवज्जो इसलिए देना पड़ रही है कि अश्लील कंटेंट आता है बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये तो समझ लीजिए यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं लेकिन इस तरह का कंटेंट अगर वेबसाइट्स के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल रहेगा।
ऑब्जेक्शनेबल है एंड इसीलिए सर बहुत सिंपल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जो हमारे एग्जिस्टिंग वेब मास्टर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे वेबसाइट्स को के, उन्हें थोड़ा सा और अपग्रेडेशन की जरूरत है उनके स्किल सेट्स को, थोड़ा सा उन्हें वर्डप्रेस ज्यादा सिखा दें, थोड़ा सा एचटीएमएल सीएसएस ज्यादा सिखा दें, थोड़ा सा न्यू एज ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हें सिखा दें। एंड सिक्योरिटी की एक लेक्चर में मैं समझता हूँ हम वेबसाइट्स को इन सभी को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि हम जो बैकग्राउंड आर्किटेक्चर बोलते हैं या बैकएंड आर्किटेक्चर बोलते हैं उसे हम स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे लूपहोल्स हैं जो ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे पीपल लाइक यू शुड टेक द इनिशिएटिव टू कम अक्रॉस विद द पुलिस एंड कम अक्रॉस विद द इंस्टीट्यूशन सो दैट थिंग्स कैन बी वर्क आउट। मैं अतुलनीय सर आपके पास चलता हूँ। अतुलनीय सर, जिस तरीके से सिद्धार्थ सजेस्ट कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग आपके डिपार्टमेंट की तरफ से होती है? आउटसोर्सिंग के जरिए अब आप लोग सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इस चीज से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाला वक्त तो साइबर क्राइम का दिख रहा है सर। नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस और खासतौर से इंदौर पुलिस की अगर बात करूं तो आउटसोर्सिंग वालों की वजह से ही हम आज इतने एडवांस इसमें हो पाए, जैसे कि वो हमारा पुलिस का जो ऐप है एफआईआर वाली, ये सब चीजें हमें इन्हीं लोगों से मिली है और इनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आधुनिक युग में उस रास्ते पे ले जा रहा है कि जो हम पारंपरिक अपराध चला इस पर भी एक्सपर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग में हमारे लिए काफी लोग हमें मदद करते हैं, मगर ये बाकी ध्यान देने योग्य बात और मैं चाहूंगा कि ये चीज मैं इंदौर आईजी और डीआईजी जो है इंचार्ज उन तक भेजूंगा कि हम इनकी ऐसी मदद लें कि जिसमें हमारे पास कुछ पैसा खर्च नहीं होना है, लेकिन हम अपनी वेबसाइट को इतना मजबूत कर लें, इतना स्ट्रांग कर लें। और दूसरा, हम सिद्धार्थ जी से ये भी चाहेंगे कुछ हमें ऐसा भी टिप्स दें कि इन तक हम और किन तरीकों से पहुंच सकते हैं इनको। हालांकि हमने इन्हीं लोगों की मदद से पकड़ा वो जो बैंक पेपर था ट्रांसफर करवा देते हैं। बेशक बेशक सर, मुझे ख्याल है इस बात का और आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बात यहाँ सरोकार की कर रहे हैं और सरोकार इस बात का है कि हम अपने आप को भी इतना सुरक्षित बना सके। आपकी तरफ से इनिशिएटिव अच्छा, आपका इनिशिएटिव अच्छा रहा है। दूसरा सिद्धार्थ, एक क्लोजिंग मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट में मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ टू मेक आरसेल्फ साइबर क्राइम क्रिमिनल से इम्यून, कैसे कर पाए, क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वेरी शॉर्ट सर। इसके लिए आज का जो मिलेनियल जनरेशन है, ये तो वैसे भी कितना एक्टिव है सोशल मीडिया और बाकी सारे वर्टिकल्स पे, सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सब जगह टू स्टेप वेरिफिकेशन, उसमें आप अपना या तो मोबाइल नंबर या अपना दूसरे डिवाइस पे प्रॉम्प्ट इसे सेट कर दीजिए, जिससे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी सिक्योर हो जाए, जीमेल, ये सब एसेंशियल वर्टिकल्स है। इसके अलावा वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सिंपल से एप्स हैं जो आपको लॉगिन पेज को विजिबल ही नहीं होने देंगे, ब्लॉगिंग पेज ही नहीं दिखेगा। तो हमेशा सुनिश्चित करने के आप सिक्योर रहे। सिद्धार्थ, आपके आपके टिप्स बहुत मेरे ख्याल में हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर रहे होंगे। अतुलनीय साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। धाकर सर, आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस सरोकार के मुद्दे पर यही तक खास रहा कि हम अपनी सिक्योरिटी भी रखें, साथ ही साथ थोड़ा खर्च करके खुद को सेफ रखने की कोशिश करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या डिपार्टमेंट्स हो। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।